हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो है ब्यूटीफाई बाय आमना के प्रोडक्ट पे रिव्यू और साथ ही साथ क्रेलॉन की फाउंडेशन कैसे सेट कर सकते हैं आप ब्यूटीफाई बाय आमना के प्रोडक्ट्स के साथ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम टेकिंग दिस 24K रोज गोल्ड सीरम और इसको शेक करके मैं इसको ओपन करके अप्लाई करूंगी अपने फेस पे और इससे मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करूंगी। ये सर्दियों में बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर देता है। मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर देता है और मैं इसको लगा के इवन रात को भी सो जाती हूँ। मैं एज अ नाइट सीरम भी इसको यूज करती हूँ और फाउंडेशन के साथ तो ये बहुत अमेजिंग है। एंड आई एम टेकिंग दिस ब्यूटीफाई बाय आमनाज प्राइमर और इसको मैं अप्लाई करूंगी अपने ओपन पोर्स पे। ये पोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लर कर देता है, सिलिकॉन बेस प्राइमर है ये। इसके बाद जब फाउंडेशन अप्लाई की जाती है तो फाउंडेशन बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाती है। सो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स जितने भी होते हैं वो बहुत ही अच्छे से आपके पोर्स को ब्लर कर देते हैं। इसको मैं अंडर आई भी अप्लाई करूंगी ताकि मैं जब भी कंसीलर लगाऊं तो वो क्रीज नहीं करे। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस टीवी पेंट स्टिक FS45 एज अ करेक्टर। इसको अप्लाई करूंगी मैं अपने डार्क सर्कल्स पे, अपनी जितनी भी डिस्कलरेशन है उस सबको हाइड करने के लिए। मैं अपने फेस पे बस उतने ही एरिया पे अप्लाई करूंगी, मैं पूरे फेस पे इसको अप्लाई नहीं करूंगी। देन आई एम टेकिंग दिस ब्यूटीफाई बाय आमनाज ब्यूटी ब्लेंडर। इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट है ब्यूटीफाई बाय आमना की और इसको जब आप वेट करके डैम करते हैं तो इसका साइज बड़ा हो जाता है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। इससे बहुत ही अच्छे तरीके से फाउंडेशन भी कंसीलर भी सब ब्लेंड हो जाते हैं और मैं अब सारा कंसीलर इसकी हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी और मेरा कंसीलर इसकी हेल्प से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है। कंसीलर भी मैंने टीवी पेंट स्टिक इसलिए ली है कि आप लोगों को इजीली समझ आ सके, एक्चुअली करेक्टर कि आप जब ये सीरम और प्राइमर यूज करेंगे तो टीवी पेंट स्टिक जो कि बहुत ही फुल कवरेज फाउंडेशन है वो भी इजीली ब्लेंड हो सकती है। अब मैं फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ 3W शेड है ये टीवी पेंट स्टिक का और इसको मैं अपने पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लूंगी। ये मेरी स्किन टोन से एग्जैक्ट मिलता है इसलिए मैं इसके साथ दूसरा शेड जो टीवी पेंट स्टिक का है वो आइवरी एड कर रही हूँ और इसको भी मैं साथ ही लगा लूंगी पूरे फेस पे और ये दोनों शेड मिक्स होने के बाद जो है वो मेरी स्किन टोन का शेड बनेगा। मैं कभी भी आइवरी नहीं यूज़ करती एज अ फाउंडेशन क्योंकि ये बहुत ही लाइट है और एकदम से फेस को वाइट सा इफेक्ट देता है क्योंकि ये फाउंडेशन फुल कवरेज है तो इसलिए इसको आप लाइट ही रखेंगे तो बेटर रहेगा। मतलब अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही कलर शेड चूज करें। अब मैं ब्रश की हेल्प ब्लेंड करने के बाद इसको ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी पूरी स्किन पे डैबिंग मोशन में। इसको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फुल कवरेज है और स्टिक फाउंडेशन है तो इसको थोड़ा सा ब्लेंडिंग में आप टाइम देंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड होगी। जब भी आप अपनी या किसी की भी फाउंडेशन ये वाली यूज करते हैं तो आप उसको अच्छे से ब्लेंड करें। क्लोजअप करके दिखा रही हूँ मैं आपको ताकि आपको अंदाजा हो कि मेरी फाउंडेशन जो है वो कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुकी है। जस्ट बिकॉज प्राइमर और आपकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो तो आपकी फाउंडेशन फुल कवरेज भी हो, आपकी स्किन ड्राई भी हो तो आप अच्छे से फाउंडेशन सेट कर सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग दिस क्रेलॉन का टर्मा कैमोफ्लॉज क्रीम और इससे मैं हाईलाइटिंग करूंगी अपने अंडर आई पे, अपने फेस पे जहां जहां मुझे हाईलाइट करना है, ब्राइटनिंग के लिए। एज अ कंसीलर यूज कर रही हूं तो मैं इसको फिंगर से ही एक्टिवेट करूंगी क्योंकि ये क्रीम फॉर्म में है और काफी थिक है तो इसको आप थोड़ा सा अपने हाथ से ब्लेंड करेंगे तो ये एक्टिवेट होगी, थोड़ी नरम होगी गर्मी से आपकी फिंगर की और फिर आप इसको इजीली अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसको अपने अंडर आई पे अप्लाई कर रही हूँ, इसके बाद चिन पे, ब्रिज ऑफ माय नोज, फोरहेड, जहाँ जहाँ मुझे ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए है, हाईलाइट करना है, मैं वहाँ वहाँ ये लगा रही हूँ। ये काफ़ी फुल कवरेज फाउंडेशन कंसीलर, मतलब आप इसे एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई एम अगेन टेकिंग ब्यूटी ब्लेंडर और मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इट टेक्स टाइम, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, बहुत ही आराम से इसको ब्लेंड करना है विच इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। क्रेलॉन की फाउंडेशन जो हैं वो अच्छी खासी फुल कवरेज और थिक हैं
सो उसको टाइम लगता है, तो आप उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कीजिए, ब्रश की हेल्प से अगर आपको लगता है कि इजी लग रहा है, बट मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा इजी लगता है, और उससे क्रेलॉन की फाउंडेशन बहुत ही इजीली और स्मूथली ब्लेंड हो जाती है. सो मैंने, आप देख लें, इसको अच्छे से ब्लेंड कर. नाउ आई एम टेकिंग क्रेलॉन ट्रांसलूसेंट पाउडर TL11, और इससे मैं करूँगी बेकिंग. सो गाइस, नाउ आई एम टेकिंग दिस स्पॉन्ज, ट्राइंगल स्पॉन्ज है ये. इसकी हेल्प से बेकिंग बहुत इजी हो जाती है. मैं अंडर आई पे पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, यही ट्रांसलूसेंट पाउडर, और मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन देन यू कैन गो फॉर 5 मिनट्स, बट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन लाइक मी, तो आपको इतनी ही देर देनी है जितनी देर मैं दूंगी अभी. और अब मैं इसी स्पंज की हेल्प से अपनी कॉन्टोर को डिफाइन करते हैं पाउडर की हेल्प से. यहाँ पे भी बेकिंग की जाती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कितने एरिए पे मेरी कॉन्टोर होती है. मैं इसलिए पहले ही यहाँ पे पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, एज अब बेक कर रही हूँ. अगर आपको नहीं मालूम तो आप अपनी कॉन्टोर के बाद इसको अप्लाई कीजिए. सो मैंने इसको बस इतनी देर ही बेक करना है, 1, 2 एंड 3. अब मैं अपनी कॉन्टोर आई मीन बेक को डस्ट ऑफ कर दूंगी. सॉरी, कॉन्टोर मेरे मुंह से निकल रहा. तो मैं बेकिंग को डस्ट ऑफ कर दूंगी सारी. इससे ज़्यादा देर मैं अपने फेस पे बेकिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और काफ़ी पैची हो जाती है अगर मैं थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा बेकिंग कर लूँ. सो बाकी फेस पे मैं ब्रश की हेल्प से फेस सेट कर लूंगी. देन आई एम टेकिंग दिस पैलेट फ्रॉम द बाम. ये पैलेट है इन द बाम ऑफ योर हैंड, और इसमें ब्राउन्जर है, ब्लशेस हैं, हाइलाइटर है द बाम का, और 4 आई शेडोज हैं, देन 2 लिपस्टिक्स हैं. सो मैं अपने फेस पे सिर्फ ब्राउन्जिंग कर रही हूँ, कॉन्ट्रोर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सॉफ्ट लुक के साथ कॉन्ट्रोर अच्छी नहीं लगती है. आप ब्राउन्जिंग से भी काम चला सकते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट भी है. अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप सिर्फ ब्राउन्जिंग ही करें. देन आई एम टेकिंग 3 ऑफ दीज ब्लशेज ऑन माई ब्रश, और इनको मैं अप्लाई करूँगी अपनी चीक्स पे. ये तीनों ब्लशेज बहुत ही खूबसूरत हैं, और बहुत ही मज़े का फ्लश आता है चीक्स पे. आई एम टेकिंग दिस ब्लेंडिंग ब्रश, और इसकी हेल्प से मैं ब्राउन्जर जो है अपने नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, नोज़ कॉन्ट्रोल कर रही हूँ, और मैं ब्राउन्जिंग से ही आज कॉन्ट्रोल भी कर रही हूँ, और ये काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रोल हुआ है. आई लाइक दिस ब्राउन्जर. नाउ आई एम अप्लाइंग आई शेडो ऑन माई आई, और मैं 35O पैलेट मोरफी की लेकर उसमें से मैं पीच शेड जो है अपनी आई के कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, और उसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में. आई डोंट नो कैमरे या लाइट के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही थी, आई डोंट नो. सो मैंने ये सर्कुलर मोशन में अपनी आईलेट के ऊपर आउटर में ब्लेंड किया है. सिर्फ आउटर में ही इसको ब्लेंड करूँगी मैं. अब मैं आई कॉर्नर को थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए इसमें ब्राउन लाइट सा ब्राउन ऐड कर रही हूँ, और ये किसी भी मोर्फी की पैलेट से आपको मिल जाएगा, या रेवोल्यूशन की कोई भी पैलेट ले सकते हैं आप. अब मैं ले रही हूँ पेंसिल ब्रश, और इसकी हेल्प से मैं डार्क ब्राउन शेडो जो है अपनी आउटर वी में प्लेस करूँगी, और जस्ट अभी मैं प्लेस कर रही हूँ. अगेन, कोई भी पैलेट आप यूज़ कर सकते हैं. और फिर मैं ले रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश, और इसको मैं आउटर वी में ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से बाहर को. देन आई एम टेकिंग दिस शिमर शेडो फ्रॉम 35O पैलेट, और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी हाफ आईलेट के ऊपर इस तरह फिंगर ही से. सो नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस हुदा ऑब्सेशन एमरल्ड पैलेट, और इसमें से मैं ले रही हूँ ग्रीन शेडो फॉर माई लोअर लैश लाइन. सबसे पहले मैं इसको ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी अपनी लोअर लैश लाइन पे, हाफ से ज़्यादा इसको ब्लेंड कर दूँगी साथ. एंड आई एम टेकिंग दिस शिमर शेडो, और इसको मैं हाथ पे ब्लेंड करके अपनी इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से. फॉर आई लाइनर आई एम टेकिंग दिस रिमल एक्सेचुरेट ब्लैक आई लाइनर. दिस आई लाइनर इज बॉम्ब. फॉर मस्कारा आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम एसेंस कॉस्मेटिक्स, और ये मस्कारा है स्टाइलिस्टिक. इस मस्कारे से आपकी लैशेस को लेंथ मिलती है, वॉल्यूम मिलता है. फॉर वाटर लाइन आई एम टेकिंग दिस रिमल्स ब्लैक ऑल पेंसिल, और ये अगर आपकी सेंसिटिव आइज हैं तो बहुत ही ईजीली अप्लाई होती है. गर्ल्स, इट्स टाइम फॉर आई लैशेज.
एंड लैशेज आर ऑन. या यस, मैंने लैशेज अप्लाई की हैं लैश आर्ट की ससी स्टाइल में, और लिंक मैं सब प्रोडक्ट का नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. फॉर हाईलाइटर आई एम टेकिंग दिस द बाम का मैरी लुमिनाइजर हाईलाइटर, और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ इंग्लॉट के ब्रश से. और ये हाईलाइटर ओ माय गॉड है, मतलब ये जस्ट ऐसे लगता है जैसे आपकी स्किन के अंदर से ग्लो निकल रहा है. आपकी स्किन नेचुरली ग्लो लगती है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है उतना ही ये हाईलाइटर अमेजिंग लगने लग जाता है. सो आई लव दिस हाईलाइटर. सो गर्ल्स इट्स टाइम फॉर आर लिपस्टिक. सबसे पहले मैं लिप्स को ड्रॉ कर रही हूँ पेंसिल की हेल्प से. ये पेंसिल रैंडम है लोकल, और डार्क शेड से मैं पहले लिप्स को ड्रॉ कर लेती हूँ. मुझे बहुत ईजी लगता है, मतलब आई लव टू ड्रॉ माई लिप्स फर्स्ट. नाउ आई एम टेकिंग दिस द बाम की लिक्विड लिपस्टिक, मैट है ये, और ये शेड है लविंग पिंक शेड. ओ माई गॉड दिस शेड इज़ सो 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 यमी. आई जस्ट लव दिस कलर. इसको मैंने अपने लिप लाइनर के ऊपर भी अप्लाई कर लिया ताकि मेरे पूरे लिप्स पे अब एक जैसा कलर आए. सो गर्ल्स हेयर आई एम विद माई फाइनल लुक. सो आज की वीडियो में ब्यूटीफाई बाय आमना की प्रोडक्ट्स का रिव्यू, और क्रेलॉन को आप कैसे उनके साथ सेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फाउंडेशन को. आई होप आज की वीडियो में आपको समझ आई होगी और काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा. सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए. और साथ ही साथ अगर आप आवे प्रोस की फिलिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो ये साइट पे लिंक मौजूद है.